अब बारह आदमी ने ये जनता पार्टी वाला झूठ बोले बोले लोगों को गुमराह कर कर करे और ये वोट ले लेते हैं। दारू पवा में दो लोग बाग बिक जाते हैं। विधानसभा की बात ये हमारे गुटबाजी में वेगी थोड़ी फूट पड़गी, कांग्रेस में फूट भी ऐसे टिकट लड़ाई में वेगी। पहला कुल मिले सभी समाज बालू जी समर्थन में कि भाई ओबीसी सीट के आवे तो राजसमंद में विकास हो सके और राजसमंद भलो हो। और मैं कांग्रेस के प्रति, मेरी जिंदगी भी कांग्रेस के प्रति रहेगा, लास्ट प्राण भी कांग्रेस के प्रति जाएगा। एक बार आप जो कविता है वह थोड़ी सी एक बार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। चुनावी रुख चल रहा है, चुनावी बातें हो रही है, चुनावी सभाएं हो रही है और चुनाव की बातों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द, कुछ उद्बोधन, कुछ कविताएं आम लोगों के दिल को छू जाती हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज महासतियों की मादड़ी में कांग्रेस के दावेदार बालूलाल जी गुर्जर की सभा में देखने को मिला। एक शख्स खड़ा होता है और उन्होंने जिस तरह से उद्बोधन शुरू किया, वो उद्बोधन सुन के पांडाल में बैठे हर व्यक्ति, महिलाएं, युवा सभी उत्साहित दिखे। अभी हमारे साथ में वो शख्स हैं, पहले आपका थोड़ा सा परिचय बताएं। मैं देवीलाल गुर्जर, मूल निवासी डुलियाना, और हर एक प्रोग्राम में मैं सूचना मिलती है तो कांग्रेस लोग कहीं दूर हुए तो मैं जाता हूँ और नज़दीक हुए तो मैं जाता हूँ। कुछ भी करके कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और रात दिन कांग्रेस में काम करूँ तो मेरी इच्छा। कब से आप ये मुख्य रूप से इसमें आपने कांग्रेस में काम कर रहे हो? बिल्कुल, मैं 1981 से मैं समझा डूबो भाई कांग्रेस जनता पार्टी जनता दो बलिदानी जोड़ी ही। उन टाइम से मैंने देखा जो बाद में उसी दिन वैसे 1981 बाद में 85 में या मैंने बराबर कांग्रेस में सिपाही बन गया हूँ और कांग पार्टी का काम करते रहो। और मैं लोग यानी पंचायत अध्यक्ष भी रहा था, बड़ा हूँ मन जैसे 1980 हूँ। हाँ, सीपी साहब भी सीपी साहब भी राजनीति शुरू की थी 1980 हूँ ना, 81 हूँ आप कांग्रेस में जुड़े हो तो यानी 81 हूँ। आज में कई परिवर्तन देखो कांग्रेस में? परिवर्तन तो ऐसा है, पहला कांग्रेस बार बार जीती और बार बार आती भी, और अब बारह आदमी ने ये जनता पार्टी वाला झूठ बोले बोले लोगों को गुमराह कर कर करे और ये वोट ले लेते हैं और लोग बाग ही कोई खर्चा पानी कर देते, बता देते लोग बाग ये तुम्हारा ये दे दूंगा तो लोग बाग एक दारू पवा में दो लोग बाग बिक जाते और बाद में 5 साल निकालना इनका मुश्किल। लेकिन लगातार यूँ देखा तो 30 साल में बार बार अगर जीत रही है तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी में है या कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है या कई आप कई कारण मानो? नहीं, वैसे राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार पलटी, हर 5 साल में वापस कांग्रेस आ रही है, पास बीजेपी आ रही है। राजस्थान में तो कोई विशेष बात नहीं। और नहीं, आपने राजसमंद विधानसभा की बात करी, राजसमंद विधानसभा की बात ये हमारे गुटबाजी में वेगी थोड़ी फूट पड़गी, कांग्रेस में फूट भी ऐसे टिकट लड़ाई में वेगी। पहला बटर बाद में अभी खत्म होगी, टिकट लड़ाई बनी होगा, जिस पार्टी को टिकट मिलेगा उनके साथ में सब तन मन से कार्यकर्ता उषा में है और बाकी भारी मतों से आज सीट निकाल राजसमंद चुनाव पहला सब यही इस बात के है। लेकिन पचे नहीं आवे? बिल्कुल नहीं, अब आप फाइनल है, कुछ भी करेगा, अपने भावना लोगों ने एक की है कि भाई अब क्या राजसमंद सीट निकाली। वैसे बनू पहले चुनाव हुआ तो जंदा 4,500 वोटों कांग्रेस पिछड़ी, बल्कि 30,000-25,000 पहले पिछड़ी थी। तो अब की बार तो पब्लिक में काफ़ी उत्साह है, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगा और राजसमंद सीट से 15 साल से नहीं आ रही है, अब की बार राजसमंद सीट कुछ भी करके निकालना। कई लाग रही हो अब के कांग्रेस में अटे बालू जी गुर्जर जो प्रयास कर रहा है, परिवर्तन बिल्कुल होगा। बालू जी गुर्जर साथ में दूसरा जुड़ी रहा, बिल्कुल जुड़ी रहा, सभी समाज जुड़ी रही, ओबीसी वर्ग में सभी कीर समाज है, गुर्जर समाज है, जाट समाज है, कुल मिले सभी समाज बालू जी समर्थन में है कि भाई ओबीसी सीट के आवे तो राजसमंद में विकास हो सके और राजसमंद भलो हो। आप अभी एक कविता बोली, वणी वाह कविता, हूँ सब लोग एक बार गदगद भी गया, ये आप किस तरह याद की दी गई? ये तो कांग्रेस ने काम किया, तो कहा पहले देश आज़ादी भी हो जन टाइम कांग्रेस ने काम किया, जो बड़ा बड़ा काम कांग्रेस ने किया है। कविता लिखी गणी तो हुकम लिखी गई, मैं तो अम्म हूणी जो गणेश साहबों में आद की दी हर टाइम में बड़ा बड़ा प्रोग्राम वेंदा कोई कह देवीलाल जी कविता को तो मुनी गांधी जी साहब महात्मा गांधी जी कविता है जो कांगी महात्मा गांधी कई कई काम की दो देश में कई कई आज़ादी दिलाई सब
वे काम गांधी जी कितना थका है कतरा कतरा टाइम हुआ कविता बोल रहे हैं तो हुकुम करीबन 15-20 साल बोल रहे हुकुम 15-20 साल हर पूर्व सबर गाँव में मुँह जाऊँ तो कोई नाम ऐसा मारो देवीलाल जी बोले तो मैं जरूर बोलूँ ये हमारी भावना है और मैं कांग्रेस के प्रति मेरी जिंदगी भी कांग्रेस के प्रति रहेगा लास्ट प्राण भी कांग्रेस के प्रति जाएगा और मैं कुछ भी होगा पर कांग्रेस के लिए मैं दिन रात एक करूँगा और आज भी मैंने आल भी खाना भी नहीं खाया है और ट्रैक्टर की व्यवस्था करके मैं पब्लिक भर के यहाँ लाया हूँ और कार्य को सफल करने के लिए मैंने मेरा पूरा योगदान दिया। क्या क्या लग रहा है आप लोगों से मिलते हो जुड़ रहे हो तो कुछ लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं अभी बिल्कुल जुड़े सा कांग्रेसी बड़ी योजना बहुत कार लगी निकली हुई है लोग बात कह रहे काफ़ी फायदा हुआ कांग्रेस को बहुत विकास की दो कांग्रेस ने कोई इस राजस्थान में कोई भूकोनी हुए अतरी व्यवस्था कांग्रेस अशोक गहलोत ने की तो ऐसी यानी कल्याणकारी योजना मतलब काफ़ी जुड़ी रहा है मतलब लोगों की भावना है वापस कांग्रेस एक बार और आवे तो अपनी और योजना बढ़ेगा अपन घटेगा नहीं। एक बार आप जो कविता है वह थोड़ी सी एक बार होना चाहिए तो मैंने एक राष्ट्रीय कांग्रेस की एक कविता पेश की गांधी जी की कविता है गांधी जी ने क्या क्या विकास किया क्या क्या देश को आज़ादी दिलाई बड़ा बड़ा काम कई कई किया सब मैं आपको गिना रहा हूँ। गोरा गणी आत्मा रांधी आई आजादी री आंधी मेटी अरे बापूड़े गांधी लाया आजादी हो लाया आजादी यो झंडो तिरंगो ले रायो गांधी गीता ज्ञान सुनायो जी में चारों वर्ण समायो वादी प्रतिवादी हो वादी प्रतिवादी कांके नेहरू बिड़लो झेलियो बोझ पंचायत पर मेलियो राजा महाराजा ने टेलियो हजूरी हटवा दी हो हजूरी हटवा दी लागा मोटर साधन झलका गावा गावा में साधन नलका देखो बिजली का ये भड़का घर घर चमका दी हो घर घर चमका दी देखो बांधा की बंदाई गेरी नेरा की खुदाई राकड़ काकड़ की सिंचाई अतर की आबादी हो अतर की आबादी करसा बोवे उपट पाट्या चामल कश्मीर की गाट्या पूंजी पत्यारी बलगी बाट्या धरती बंटवा दी हो धरती बंटवा दी रुपया अरबा खरबा लगाई ये सरकारी जाला बिछाई जी पर रेला बसा चलाई पहाड़ा पहुँचा दी हो पहाड़ा पहुँचा दी केवे भारत कायू कीजो गांधी जुगा जुगा तक रिजो सारा कानून कायम बीजो अमर आज़ादी हो अमर आज़ादी। इसी के साथ ही मैं हमारा स्थान ग्रहण करता हूँ नमस्कार। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने एक कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है इस कविता के माध्यम से और ये कविता आपको कैसी लगी? हमारी जो जयवर्धन न्यूज़ की मुहिम है चुनाव का माहौल आप तक पहुँचाए कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड थिंक नाथद्वारा थिंक नंदन ग्रैंड।